नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस वीडियो को देख के आप सभी लोग अच्छे ज़रूर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाली है। एंड तक देखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आगे आने वाले जितनी भी अपडेट्स हैं उसके लिए, और वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ, और जितने भी मेरे ये क्वेश्चंस हैं, ये एम्स, नॉर्सेट, डीएसएसबी और रेलवे की भी वैकेंसी काफ़ी जल्द आने वाली है, और डीएसएसबी की भी बहुत ही जल्द इसी साल वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। और नॉर्सेट तो आपको पता ही है, सितंबर तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही जाएगा हर साल की तरह, और आने वाले और भी एग्ज़ाम्स है, ESIC नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। तो जितने भी हमारे बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स हैं दिल्ली में, वो आने ही वाले हैं। तो अभी से ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो सके। तो क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ जाती हूँ, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया है, आ क्लाइंट डिलीवर हर फर्स्ट बॉर्न सन 4 आवर्स एगो। ठीक है, 4 आवर्स एगो की बात है, डिलीवरी को 4 घंटे हो चुके हैं। शी आस्क द नर्स व्हाट द वाइट चीज लाइक सब्सटेंस। अब क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, वाइट चीज लाइक सब्सटेंस इज अंडर द बेबीज आर्म्स एंड द नर्स शुड रिस्पॉन्ड। अब यहाँ बात ये हुई है वाइट चीज लाइक सब्सटेंस क्या है, तो नर्स का रिस्पॉन्स क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखे, ऑप्शन में दे रखा है, दिस इज द नॉर्मल स्किन वेरिएशन इन न्यूबॉर्न्स एंड इट विल गो अवे इन फ्यू डेज। ऑप्शन नंबर बी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक एट इट, द बेबी मे हैव एन इन्फेक्शन। एंड ऑप्शन सी, दिस मटेरियल कॉल्ड वर्निक्स एंड कवर द बेबी बिफोर इट वॉज बॉर्न and it will disappear in a few days. Yeah, option number D, babies sometimes have this sebaceous gland that get plugged at the birth and this substance is an example of that condition. तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नर्स रिस्पॉन्स करेगी कि यह वर्निक्स है जो कि बेबी के बिफोर बर्थ वो कवर करता है बॉडी को, और कुछ ही दिनों में डिसअपियर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम, इसका आंसर भी देख लेते हैं, देख सकते हैं नीचे जो दे रखा है। सी, इसमें बोल रखा है, दिस रिस्पॉन्स करेक्टली आइडेंटिफाई दैट दिस न्यूनेटल वेरिएशन एंड हेल्प द क्लाइंट टू अंडरस्टैंड द मेडिकल टर्म्स एज वेल एज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर न्यूबॉर्न। तो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जैसे कि ये पार्ट फाइव चल रहा है, पार्ट फाइव, और पहले के जो पार्ट फोर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो पहले की वीडियोस देख सकते हैं। अब थोड़ा गला बैठा हुआ है मेरा, जिसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी वेरिएशन होगी वॉइस में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक 13 ईयर ओल्ड हीमोफीलियक, ठीक है, हीमोफीलियक है जो कि हॉस्पिटलाइज है फॉर हीम आर्थराइटिस। अब हीम आर्थराइटिस वाली कंडीशन कौन सी है, जिसमें कि हमारे जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं हीम आर्थराइटिस ऑफ हिज राइट नी। राइट नी में हीम आर्थराइटिस की कंडीशन है, जिसके वजह से 13 साल का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ बोला गया है, टू रिलीव द पेन द नर्स शुड। अब पेन को रिलीव करने के लिए नर्स क्या करेगी, 4 ऑप्शन सामने दिए गए हैं, प्लेस ऑन द बेड रेस्ट, एलिवेट एंड स्प्लिंट द राइट नी। ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई द मॉइस्ट हीट टू द राइट नी। एंड ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्टर द एस्पिरिन फॉर द पेन या इनकरेज द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन टू राइट नी। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है, हम पेशेंट के नी के नीचे उसको स्प्लिंट लगाएंगे, एलिवेट करेंगे और बेड रेस्ट देंगे, ठीक है, बिकॉज
एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो इमोबिलाइजेशन स्प्लिंटिंग एंड बेड रेस्ट विल रिड्यूस द ब्लीडिंग वंस ब्लीडिंग इज रिड्यूस्ड और स्टॉप्ड द पेन विल सबसाइड। तो इसका राइट आंसर आपने देख लिया है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, एक क्लाइंट है जो MAO इनिबिटर, अब ये MAO इनिबिटर का क्या नाम है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर, ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर जो है आर द ड्रग्स क्लास ऑफ द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर टू ब्लॉक द बोथ वन और बोथ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम एक्टिविटी एंड दिस इज यूजफुल इन द डिसऑर्डर ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर फोबिया एंड सोशल फोबिया डिसऑर्डर, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर सोशल फोबिया एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हमें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिसिन का यूज़ करना होता है। एंड यहाँ बोला गया है क्लाइंट MAO इनहिबिटर पे है, ठीक है, मेडिसिन दे रहा है क्लाइंट MAO इनहिबिटर की। अब यहाँ बोला गया है कि इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस द नीड फॉर द एडहेरेंस टू अ लो टायरामिन डाइट, अब पेशेंट को लो टायरामिन डाइट पे रखना है, तो यहाँ पे बोला कौन से फूड हैं जो पेशेंट को अवॉइड करने होंगे, तो यहाँ पे लो टायरामिन डाइट की बात चल रही है। ऑप्शन में चार दे रखे हैं, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर है बिकॉज जो ये फूड्स हैं ना, पिकल्ड एग्ड स्मोक्ड एंड फर्मेंटेड फूड्स, ये प्रोड्यूस करते हैं एलिवेशन इन द ब्लड प्रेशर, ये फूड्स ब्लड प्रेशर एलिवेट करते हैं जब हम MAO इनहिबिटर थेरेपी लेते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये फूड्स लो टायरामिन डाइट लेनी होती है और इन फूड्स को अवॉइड करना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है, यहाँ जैसे कि दिखा रखा है, वन ऑफ द मेडिकेशन दैट इज प्रिस्क्राइब फॉर अ मेल क्लाइंट इज लेसिक्स, लेसिक्स बोली है 80 mg BD, ठीक है, ट्वाइस अ डे बोला गया है, दिन में दो बार लेसिक लेना है, तो यहाँ बोला गया है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल द नर्स वुड टीच हिम टू टेक दिस मेडिसिन, अब हमें रिस्क ऑफ जो फॉल है वो रिड्यूस करना है, तो नर्स को क्या टीच करेंगे अबाउट मेडिकेशन, यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिकॉज ऑन अराइजिंग एंड नो लेटर देन 6 PM हमें ये मेडिसिन 6 बजे से पहले पहले देनी है, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बिकॉज यहाँ पे बोला है ऑप्शन ए जो है प्रोवाइड करेगा एडिक्वेट स्पेसिंग ऑफ द मेडिकेशन एंड विल लिमिट द क्लाइंट्स नीड टू गेट अप टू गो द बाथरूम ड्यूरिंग द नाइट आवर्स एंड व्हेन ही इज स्पेशली एट द रिस्क ऑफ फॉल, रात को नींद में उसका जो रिस्क ऑफ फॉल है काफ़ी हाई हो जाएगा, अगर हम फ्रोसेमाइड लेट नाइट को देंगे तो वो लेट नाइट को यूरिन के लिए बाथरूम जाएगा और रिस्क ऑफ फॉल इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से हमें 6 बजे के बाद फ्रोसेमाइड लेसिक्स एडमिनिस्टर नहीं करनी है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ, वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, काफ़ी अच्छे और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाले हैं आप सभी के लिए एग्ज़ाम में आने वाले, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है क्लाइंट वाज एडमिटेड विद रिब फ्रैक्चर एंड न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, अब रिब फ्रैक्चर और न्यूमोथोरेक्स से एडमिट हुआ है, विच वर सस्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ठीक है, जो कि एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट था, तो बोला गया है चेस्ट ट्यूब वाज प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड टू री इन्फ्लेट हिज लंग्स, चेस्ट ट्यूब प्लेस कर दी है लेफ्ट साइड में लंग्स को री इन्फ्लेट करने के लिए, एंड ही वाज ट्रांसफर टू क्लाइंट यूनिट 24 आवर्स आफ्टर द एडमिशन ही कंटिन्यू टू हैव अ ब्लडी स्ट्यूटम, ठीक है, 24 घंटे बाद जब उसको एडमिट कर लिया है तो उसके बाद उसको ब्लडी स्ट्यूटम आया, मतलब बलगम में खून दिखाई दिया, उसके बाद उसे इंक्रीज हाइपोक्सीमिया इंक्रीज हो गया, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो घट गया, ठीक है, कम हो गया, और जो उसका चेस्ट एक्सरे है वो शो दी पैची इन्फिल्ट्रेट शो कर रहा था, तो नर्स ने एनालाइज की दी सिम्टम एज बीइंग कंसिस्टेंट विद
अब बोला गया है जो ये सिम्टम थे ये किसके सिम्टम थे? चार ऑप्शन दे रखे हैं, निमोनिया, बी पल्मोनरी कंट्यूजन, सी पल्मोनरी एडिमा एंड डी टेंशन निमोथोरिक्स। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पल्मोनरी कंट्यूजन, क्योंकि जो ब्लंट चेस्ट में जब ट्रॉमा होता है ब्लंट, तो उससे क्या है ब्रूजिंग प्रोसेस जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसमें कि इंटरस्टीशियल और एल्वियर एडिमा बढ़ जाता है जिससे कि हैमरेज हो जाता है, और दिस इज मैनिफेस्टेड बाई ग्रेजुअल डिटोरिएशन ओवर 24 आवर्स। ठीक है, जिससे कि ग्रेजुअली 24 आवर्स के अंदर अंदर बॉडी में डिटोरिएशन चेंजेस आते हैं, जिससे कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस और कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ ब्लड स्प्यूटम इंक्रीज होता है, और एक्सरे में हमें पैची इन्फिल्ट्रेट्स शो होते हैं और वो जो एविडेंट होते हैं चेस्ट एक्सरे 24 आवर आफ्टर पोस्ट इंजरी। इंजरी के 24 घंटे होने के बाद ही चेस्ट एक्सरे में हमें पैची इन्फिल्ट्रेट्स आएंगे और ब्लड गैस एनालिसिस जो है वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। किसकी वजह से? हैमरेज की वजह से। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है पल्मोनरी कंट्यूजन्स। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46, तो यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप सब देख लेते हैं। ड्यूरिंग दी हॉस्पिटलाइजेशन एक 3 साल का बच्चा है जिसको वो अनयूजुअल बिना किसी बात के एग्रेसिव है, अपनी प्ले एक्टिविटी में प्ले कर रहा है उसके बाद भी वो एग्रेसिव है, तो हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स ने रिपोर्ट किया कि जो ये चेंज ऑफ बिहेवियर है, प्राइमरी नर्स को रिपोर्ट किया। उसके बाद हाउ कुड द नर्स एक्सप्लेन द चाइल्ड चेंजेस इन द बिहेवियर, तो नर्स कैसे एक्सप्लेन कर सकती है चाइल्ड का जो बिहेवियर चेंज है उसके बारे में, तो वो ये बताएगी। इसको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज यहाँ बोला गया है जो प्ले है वो प्रोवाइड करेगा चाइल्ड द प्ले प्रोवाइड द चाइल्ड विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉपिंग एंड अडेप्टेशन। एग्रेसन ड्यूरिंग द प्ले एक्टिविटी वुड इंडिकेट द कॉपिंग रिस्पॉन्स, तो ये एक कॉपिंग रिस्पॉन्स है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ रिमेटिक फीवर द नर्स टीच इज द पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद एक्यूट रिमेटिक फीवर टू असिस्ट इन मिनिमाइजिंग जॉइंट पेन एंड प्रमोटिंग हीलिंग। वो कैसे असिस्ट करवाएगी एंड मिनिमाइज करवाएगी जॉइंट पेन एंड प्रमोटिंग द हीलिंग, तो कैसे होगा वो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर देख लेंगे। चार ऑप्शन हैं, पुटिंग ऑल जॉइंट थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन ट्वाइस डेली, मसाज द जॉइंट ब्रिस्कली विद लोशन और लिनिमेंट आफ्टर द बाथ, ऑप्शन नंबर सी इमोबिलाइजिंग द जॉइंट इन फंक्शनल पोजिशन यूजिंग द स्प्लिंट्स रोल्स एंड पिलो, एंड ऑप्शन नंबर डी अप्लाइंग द वॉर्म वाटर बॉटल और हीटिंग पैड्स ओवर इन्वॉल्व द जॉइंट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि हम क्या करेंगे, हम इमोबिलाइजेशन देंगे इन फंक्शनल पोजीशन अलाउ द जॉइंट टू रेस्ट एंड हील। फंक्शनल पोजीशन में हम जॉइंट को इमोबिलाइज करेंगे जिससे कि जॉइंट को रेस्ट और हील दोनों मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बोला गया है एक क्लाइंट इज प्लेस्ड ऑन लिथियम थेरेपी, एक पेशेंट क्या है लिथियम थेरेपी पे, किस लिए? मैनिक डिप्रेसिव इलनेस की वजह से, उसे मैनिक डिप्रेसिव इलनेस की वजह से लिथियम थेरेपी पर रखा गया है, और आगे लिखा है व्हेन मॉनिटरिंग द क्लाइंट द नर्स असेस द लैब ब्लड वैल्यूज, और जो यहाँ बोला है इसमें बोला कि जो टॉक्सिसिटी है मे अकर विद द लिथियम थेरेपी, मतलब ब्लड लेवल, अब बोला गया है जब लिथियम थेरेपी की टॉक्सिसिटी होगी तो ब्लड में जो लेवल है किससे इंक्रीज हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें बोला गया है द वैल्यू इज द लेवल एट विच द मोस्ट क्लाइंट्स आर मेंटेन्ड एंड टॉक्सिसिटी में अकर इफ द लेवल इंक्रीज,
द क्लाइंट शुड बी मॉनिटर क्लोजली फॉर द सिम्टम बिकॉज सम क्लाइंट बिकम टॉक्सिक इवन एट दिस लेवल. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1.5. ठीक है, 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका राइट आंसर है, जिसमें हमें टॉक्सिसिटी शो होगी ब्लड में. आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है, एक क्लाइंट है जिसको रिनल कैलकुलाई है आइडेंटिफाई हुई है एंड एज कंसिस्टिंग ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. रिनल कैलकुलाई है वो है कैल्शियम फॉस्फेट. अब तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी एप्रोप्रिएट डाइट पेशेंट के लिए रहने वाली है. एप्रोप्रिएट डाइट हम देख लेते हैं. चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हाई कैल्शियम लो फॉस्फोरस, लो कैल्शियम हाई फॉस्फोरस, 2 ग्राम सोडियम डाइट, लो कैल्शियम एंड लो फॉस्फोरस एसिड एश डाइट. इसका राइट आंसर हम आगे देख लेते हैं. इसका राइट आंसर है डी, बिकॉज कैल्शियम फॉस्फोरस का कैलकुलाई है तो इसलिए हमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लो डाइट लेनी है ताकि और भी कैलकुलाई फॉर्मेशन ना हो. आगे बढ़ जाते हैं हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. यहाँ पे बोला गया है अ क्लाइंट हैज़ बीन इन लेबर फॉर 10 आवर्स. एक क्लाइंट लेबर में है फॉर दी 10 आवर्स. हर कॉन्ट्रैक्शन हैव बिकम हाइपो एक्टिव एंड स्लो इन ड्यूरेशन. अब जो कॉन्ट्रैक्शन हाइपो एक्टिव है, मतलब एक्टिव नहीं है, एक्टिव से भी काफ़ी लो है और जो ड्यूरेशन है काफ़ी कम है, और जो फीटस का स्टेशन है वो 0 है एंड जो सर्विक्स है वो डायलेटेड है 8 सेंटीमीटर और 90% इफिसमेंट है. तो फिजिशियन ने ऑर्डर दिया ऑक्सीटोसिन पिटोसिन इन्फ्यूजन टू बी स्टार्टेड एट वंस. एक बार बोला है चलाने के लिए. तो जो नर्स है बिगिन दी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द आरएन डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन इफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर. क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया है, अब पेशेंट को इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन दिया जा रहा है, अब कौन सी कंडीशन जो चार ऑप्शन दे रखे हैं अराइज होने पे हमें इन्फ्यूजन को स्टॉप करना होगा. चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. इसमें बोला गया है जब क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्शन आर द क्लाइंट्स कॉन्ट्रैक्शन आर लेस देन 2 मिनट्स अपार्ट. अब 2 मिनट से कम के अंदर अंदर इंटरवल में बार बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो इस कंडीशन में नर्स को ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन स्टॉप कर देना होगा. बिकॉज एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट देर इज़ अ रेस्टिंग फेज और रिलैक्सेशन पीरियड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन. ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूट्रस प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल वेसल्स रीस्टैब्लिश द ब्लड फ्लो. नो रेस्टिंग फेज बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन कैन लीड टू फीटल ब्रैडीकार्डिया फीटल हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस and it can also result in tetanic contraction and which can cause uterine rupture. जिसकी वजह से uterine rupture भी हो सकता है, जिस वजह से nurse को infusion को discontinue करना होगा. तो इसका last answer जो था मैंने आपको full detail में समझा दिया है. उम्मीद है आपको ये test series काफ़ी पसंद आई होगी और अगर कोई कमी रही होगी तो please मुझे नीचे description box में comment करके बता देना दोस्तों. और आने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पे बने रहने के लिए साइड का बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए. आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.